सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चले, जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, TNC अप्लाइड। नाम रमेश भंडारी। ये गाड़ी पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों है, बैटरी वाली है। बैटरी से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है। क्या सोच के ये गाड़ी बनाई आपने? पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, कम से कम 100-150 का पेट्रोल डेली खर्च होता है। पेट्रोल के चक्कर में मैंने ये गाड़ी बनाई है। कितना टाइम लगा इस गाड़ी बनाने के लिए? कम से कम 1 महीना। क्या क्या इस गाड़ी में लगे? इसमें कंट्रोलर, बैटरी, व्हील, मोटर, ये सब लगे। क्या पेट्रोल और ये बैटरी तो दोनों चलने वाली है? हाँ, पेट्रोल से भी चलेगी और बैटरी से भी चलेगी। बैटरी से कितने किलोमीटर चलेगी? बैटरी से 60 किलोमीटर कम से कम। कहीं बैटरी खत्म हो जाओ तो पेट्रोल पर लेके आ जाओ गाड़ी। क्या इंजन दोनों बैटरी और पेट्रोल से एक ही चल रहा है? नहीं, इंजन अलग है, बैटरी का सिस्टम अलग है। बैटरी का इससे इंजन का कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या इंजन सीज होने का भी खतरा है क्या? नहीं, इंजन का रोल ही नहीं है, इंजन बंद रहेगा, सिर्फ व्हील घूमेगा। बैटरी चलाएंगे तो व्हील ही घूमेगा, व्हील पे मोटर लगी हुई है। अच्छा, कहाँ कहाँ से आपने ये सामान मंगाया? सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इनको देख के ये गाड़ी बनाई आपने? बनाई। अच्छा, सामान कहाँ कहाँ से मंगाया आपने? महाराष्ट्र, UP। कितना खर्चा लगा होगा? कम से कम 50-55 हज़ार। अच्छा, ये एक ही गाड़ी बनाई क्या आपने? हाँ, एक ही बनाई। किसकी ये गाड़ी? ये मेरी है। आपने इसका ट्रायल भी किया है? हाँ। कहाँ तक लेके गए? ये अपने पुष्कर सिटी, खड्डे कोपचे में, पानी में भी चलाई, सब चलाई। बैटरी से क्या लाइटिंग, इंडिकेटर वगैरह सब चलते हैं? हाँ, सब चलते हैं। ठीक, आपका नाम? रमेश भंडारी। कहाँ के रहने वाले? अजमेर, बड़ी नाखुनी। ये हमारे रमेश भंडारी जी हैं और इन्होंने एक होंडा एक्टिवा जो गाड़ी है उसका एक मॉडिफिकेशन किया है। पेट्रोल से तो होंडा एक्टिवा चलती ही है, इनके एक दिमाग की नई उपज थी। इन्होंने इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट की गाड़ियां आती है उसको इस होंडा एक्टिवा में यूज़ करके इसे रीमॉडिफाइड किया है और इसे दोनों वर्जन पे चलने लायक बनाया है। आज ये जो होंडा एक्टिवा गाड़ी है इनकी, इसमें इसे इलेक्ट्रिक वर्जन से भी चलाया जा सकता है और पेट्रोल वर्जन से भी चलाया जा सकता है। कहाँ से ये दिमाग आया बनाने का? जी, वैसे ये इनोवेटिव रहे हैं, है पढ़े लिखे नहीं है, मगर शुरू से इनका इस क्षेत्र में रुचि रही है। तो इन्होंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से, यूट्यूब से और बाकी जो जगह जगह से जानकारियां इकट्ठी कर कर इन्होंने इस गाड़ी का निर्माण किया। इसके पीछे क्या पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का भी है? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और एक पर्यावरण के मद्देनज़र भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है उसको भी बचाने में ये बहुत लाभप्रद है। पर जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है वो एक मुख्य समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए रमेश भंडारी जी ने इस गाड़ी का निर्माण किया है। कितने किलोमीटर बैटरी से चलती है गाड़ी? ये गाड़ी अभी जो इनके शुरुआती रुझान है उसमें 60 किलोमीटर अभी एक सिंगल चार्ज पे चल रही है और पेट्रोल के साथ अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक सरचार्ज खत्म हो जाता है तो ये पेट्रोल पे भी चल सकती है। ये पहला इनोवेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों पे गाड़ी चलाई जा सकती है। आपका नाम? मनीष शर्मा, फैसागर रोड, अजमेर।